तो जो भी स्टूडेंट सीजल 2019 प्रीलिम्स में अपियर होने वाले हैं उन सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से जो आपके स्कोर को डेफिनेटली कुछ बूस्टअप कर सकती हैं। तो सीधे हम पॉइंट पर आते हैं बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करें। पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। आप जो है जितनी भी देर आपने जितने भी टाइम आपने तैयारी करी है 6 महीने 8 महीने 1 साल भर कॉन्फिडेंटली जो है आपको पेपर देने जाना है। और एक भी स्टूडेंट जो है पेपर को मिस मत करना कि मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। आपकी कितनी भी तैयारी आप पेपर देने जरूर जाएं, कॉन्फिडेंटली जाएं, आपको अगले पेपर के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। और जिन भी स्टूडेंट का पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी शिफ्ट में है पहले दिन एग्जाम है आप उसका ये फायदा उठाएं कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो सबसे ज़्यादा होगा। नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा तो आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप जो है कॉन्फिडेंटली जाएँ, ठीक है। आप ये टारगेट ना लेके जाएं कि मुझे इतने नंबर लाने, आप ये टारगेट लेके जाएं कि मैंने जितने भी टाइम तैयारी करी है मुझे उसको बस वैसा का वैसा उतार के आना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। जस्ट डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट, ये अपना टारगेट रखें। ये नहीं कि यार इतने नंबर लाने हैं क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। तो अपना सारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हमें जो है अपना बेस्ट शॉट देना है। अगर आप ये प्रेशर लेके जाएंगे या ये सोच के जाएंगे कि पेपर टफ आएगा तो आपको आसान सवाल भी टफ दिखेंगे और एग्जाम से बाहर आके आपको समझ में आएगा कि यार पेपर तो ईजी था। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ भाई, कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला। वही पेपर अभी हो जाने दो, एक दो दिन में पेपर वही सेम जो अब तक सवाल आ रहे थे वैसे ही पूछे जाने वाले हैं। तो प्रेशर बिल्कुल लेके ना जाना कि टफ आपको सवाल मिलेंगे, क्यों टफ सोचोगे तो टफ ही दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट ये है कि भाई अपनी सीक्वेंस जो भी आपने बना रखी है इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस जिस हिसाब से आपने सोच रखा है कि आपको पेपर इस हिसाब से अटेम्प्ट करना है उसको बिल्कुल भी भूलना मत। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ सीक्वेंस सोच के जाते हैं और स्टार्टिंग में हमें रीजनिंग मिलती है तो हम रीजनिंग में ही लग जाते हैं और बाद में याद आता है कि हमारी सीक्वेंस तो कुछ और थी। तो जो भी आपकी सीक्वेंस है उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। आगे स्किप विदिंग 15 to 20 seconds। आपको किसी सवाल को करना है या नहीं करना है वो 15 से 20 सेकंड में आपको डिसाइड कर लेना है। स्किप करना है तो 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको सवाल को स्किप कर जाना है। क्यों? क्योंकि अगर एक आप ऐसे सवाल पे फंस गए जो आपकी 1.5 से 2 मिनट ले गया तो उसके बाद क्या होगा, हम प्रेशर में आ जाएंगे कि यार 1.5 2 मिनट लग गई और हम सवाल का आंसर भी नहीं ले पाए, है ना। तो अगर इन केस पहले तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आप सवाल को स्किप कर दें अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा कोशिश करनी है कि 20 सेकंड से ज़्यादा हम उस सवाल पर न लगाएं। सवाल पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपने 1.5 2 मिनट लगाया और आपका सवाल नहीं हुआ तो प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल कभी भी एग्जाम के किसी भी मोमेंट पर आपको ये अपने दिमाग में नहीं लाना है कि यार अब नहीं अब अगली बार देखूंगा, ठीक है। जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ये चीज़ दिमाग में लानी नहीं है भाई कि हम अगली बार देखेंगे, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी जब तक एग्जाम हॉल में भाई हम जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे क्या पता आपको स्कोर देख के पता चलता कि आपका 2 नंबर से रह गया, तो बिल्कुल भी जब तक आप लास्ट सेकंड तक आपको ये नहीं सोचना अगली बार देखेंगे, 2 मिनट चली गई कोई दिक्कत नहीं है। बी रेडी फॉर द टफ टाइम ऑल्सो। ऐसा हो भी सकता है कि भाई आपके 20 मिनट बचे हैं 15 मिनट बचे हैं और पूरा मैथ का सेक्शन बाकी है, पूरा एक सेक्शन छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे अपने कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा सवाल उस 15 मिनट में कर सकते हैं बिना प्रेशर लीजिए उसको करें, उस टाइम के लिए भी रेडी रहें। ऐसा हो सकता है तो उस वक्त या तो हम हथियार डाल दें अरे यार अब अगली बार देखेंगे, या उस 15 मिनट को यूटिलाइज करें, ये सोचे कि बाकी के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है या बाकियों के साथ भी ये सिचुएशन हो रही होगी अगर मेरे साथ हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन जो है अपने 3 टाइप के होंगे या 2 टाइप के होंगे मेनली। एक तो जो आपके पहली बार में होते जाएंगे वो तो करते जाना, दूसरा होगा जो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसमें भी 2 होंगे। एक आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा मैं दूंगा तो हो जाएंगे, इसको हम सेकंड गो में करेंगे। और एक होगा जिसकी बिल्कुल आपको सर पैर समझ में ही नहीं आ रहा, सवाल का कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है, तो इसको हम छोड़ेंगे बाद में सेकंड गो में हम इन सवालों को करेंगे, ठीक है। पहले उन सवालों को करना जो पढ़ते ही जो हमारे देखे दिखाए सवाल हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दो। ऐसे 1 से 2 सवाल ही आ सकते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में ना आए, शायद 1 से 2 है वरना हो सकता है 1 भी ना आए, कुछ इस कैटेगरी में आते हैं उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्किप करना है 15 से 20 सेकंड में, एग्जाम के किसी भी मोमेंट में आपको ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं लाना है कि मैं अगली बार देखूंगा, जो करना है अंत तक लड़ना है इस एग्जाम में, अगली बार का अगली बार देखेंगे, ठीक है। बट बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं छोड़नी है। आगे जिन भी स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो फर्स्ट डे के अलावा सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे कभी भी है वो यूट्यूब पर जो एनालिसिस वगैरह कई सारे यूट्यूब चैनल चलाएंगे उसको अवश्य देखें। आपको सवाल करने का तरीके भले ही नहीं देखना है बट आपको ये जरूर देखना है कि सवाल क्या पूछा गया।
सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए जो आगे पेपर होने वाले हैं कि भाई ये आने वाला है, क्योंकि जैसा पहले का ट्रेंड रहा है चाहे सीपीयू हो लास्ट या सीजीएल हो, एसएससी ने क्या किया भाई पहले पेपर में जो आया उसी को घुमा फिरा के फिगर चेंज करके जो है आगे पेपर जो है उनमें पूछा गया है। तो आपको जो है सेकेंड डे थर्ड डे अगर आपका पेपर हो रहा है तो आपको एनालिसिस अवश्य देखना है, अदरवाइज आपके नंबर कम रह जाएंगे और जो एनालिसिस देखेंगे उनके ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है, एनालिसिस ज़रूर देखना है। फिफ्थ पॉइंट आता है एक छोटा सा कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन में आपको अपने मेथड पे जो है पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन में आपका कोई ट्रिक याद नहीं आने वाली कि ये शॉर्ट ट्रिक है कैलकुलेशन की। बस छोटे से दो टिप्स है मेरी तरफ से, वो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 784 इंटू 837 या 83 कहीं भी मान लो इस टाइप का अगर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको पता है कि मैंने सही मेथड को मेरी अप्रोच सही रही है, तो आप हमेशा फटाफट से ऑप्शंस देखें, जो चार ऑप्शन है चारों ऑप्शन देखें कहीं लास्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट तो नहीं है। तो पहले एक नज़र जो है आपको लास्ट डिजिट पर डाल देनी है, ठीक है, वहीं से अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट कि अगर कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी डिनोमिनेटर में 10 या 100 है कुछ भी है तो उसको आप तब तक ना छेड़ें जब तक आपको ऊपर जीरो नहीं मिल रहा है या 5 into 2, मतलब जो इस 10 को कंप्लीटली काट सके, क्योंकि 10 और 100 का जो नेचर होता है वो काफ़ी शांत स्वभाव का होता है। मान लो ये 784 इंटू 83 डिवाइडेड बाई मान लो 100 होता और मैंने अगर इसको टू से काट दिया तो मैंने अपने लिए क्या बढ़ा लिया, फालतू में और कैलकुलेशन बढ़ा ली, वरना हम सीधे मल्टीप्लाई करते भाई 4 3 12 और पीछे क्या होगा समथिंग 0.02 या एंड में 2 होगा नीचे क्योंकि 100 है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन का आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एक बहुत छोटा सा पॉइंट आता है पानी, ठीक है। तो मेन बात यह है कि जितना भी पानी आपको पीना है कोशिश करिए जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह उठ के ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लो, ताकि आपके पूरे दिन की जो भी ज़रूरत है पानी की वो पूर्ति उसकी हो जाए, क्योंकि यार ये पूरी आपको कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम से एक घंटे पहले आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि प्यास लग रही है तो भी नहीं पी रहे, घूंट भर के पी सकते हैं, बट अगर आप सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आपको पूरे दिन ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक घंटे के अंदर जितना भी हम पानी इनटेक करते हैं एटमैक्स उसको बाहर फ्लश आउट कर देती है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम मान लो आपका 11 बजे से और आप जो है 10:30 पे पानी पी रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल के बीच में एग्ज़ाम के बीच में जो है आपको वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और आप जानते ही हैं भाई 1 मिनट 2 मिनट की क्या कीमत है ना। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें मेंशन नहीं है कि आपको कपड़े कैसे पहन के जाने, भाई कपड़े शादी पार्टी वाले ऐसे तो पहन के नहीं जाने, ठीक है, आपको पहन के जाने जो कि कंफर्टेबल हो कपड़े, ठीक है, जीन्स पैंट जो भी है ट्राउजर्स या अपना पजामे वजामे कुछ भी पहन के जाओ, बट कंफर्टेबल होनी चाहिए, बॉडी जो है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खाना पीना तो बात की बात है, मेन बात है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा, बट ट्राई टू गो एज कंफर्टेबल एज यू कैन, ठीक है। सो जस्ट एंड में मैं यही कहूँगा यार, टेंशन बिल्कुल मत लेके जाओ, आपने अगर मेहनत अच्छे से करी है अपनी उस मेहनत पर भरोसा रखिए, एट द एंड डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।